हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम हमारी वेक्टर एलजिब्रा की पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे, जो कि जेईई मेन 2024 में आ चुका है और एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में कोई बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड एक कंडीशन दी हुई है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 एंड वी वांट टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें पता चले हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, राइट। हमें ये तीनों की वैल्यू चाहिए। अब ये जो ए डॉट सी है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ए डॉट सी की वैल्यू है 3, राइट। अब ए डॉट बी, तो वेक्टर ए और बी दोनों क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए है 1 to 1, वेक्टर बी है 3 - 3 + 3, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलेगा 3 - 6 + 3, यानी कि 6 - 6, तो ये ए डॉट बी तो हमारा 0 मिल गया, राइट। तो हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सिर्फ ए डॉट सी क्रॉस बी यही वैल्यू चाहिए, राइट। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए एक कंडीशन हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी और हमें फाइंड करना है ए डॉट सी क्रॉस बी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको दोनों साइड हम वेक्टर बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस सी डॉट वेक्टर बी और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी डॉट बी। अब ये वेक्टर बी डॉट बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑल स्क्वायर, राइट। अब वेक्टर बी क्वेश्चन में गिवन है 3 - 3 + 3, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 9 + 9 + 9। इसका मीनिंग ए क्रॉस सी डॉट बी हमें मिल जाएगा 27। अब हमें यहाँ एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ए क्रॉस सी डॉट बी और ए डॉट सी क्रॉस बी, ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डॉट सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 27। अब ये जो वैल्यू हमें मिली उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू मिल गई 27 माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा हो गया 0 और ए डॉट सी क्वेश्चन में गिवन है 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा 24, विच इज़ आवर ऑप्शन बी। थैंक यू।